हाय गाइस, वेलकम बैक टू त्रिदेव इन्वेस्टमेंट लैब। तो जैसा ही गाइस आप जानते हैं, मैं आपके साथ डेली 5 स्टॉक डिस्कस करता हूँ और सभी लेटेस्ट वाले जो कि आपको कंफर्म कराता हूँ, वो भी लाइव चार्ट पे, कि आप कब अपनी पोजीशन इसमें बाइंग कर सकते हैं और टारगेट क्या आपका हो सकता है। तो गाइस, सारी कन्फर्मेशन के लिए आप हमारे वीडियो में एंड तक बने रहें, सारे डाउट्स मैं आपको क्लियर करूँगा। तो चलिए देखते हैं, बिना देर के वे स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस तरह के स्टॉक्स मैं आपके साथ डेली डिस्कस करता हूँ, आप हमारे चैनल को विजिट जरूर करें, काफ़ी सारे स्टॉक्स आपको उधर मिलेंगे। तो चलिए बिना देर के वे शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है गाइस, आप देख सकते हैं यूरेका फॉर्ब्स लिमिटेड का मैंने चार्ट लगा रखा है। आप देखें गाइस, तो एक स्टॉक्स मैंने कुछ समय पहले भी दिया था लगभग इधर का, और एक टारगेट के तौर पर इधर तक का दिया था गाइस। तो आप देख सकते हैं, एक टारगेट प्राइस यानी कि रेसिस्टेंस बनाकर यहाँ पर थोड़े समय के लिए डाउन आया है, और वापस से आप देखें तो आज आपको बुलिश कैंडल। तो गाइस यहाँ पे एक देख सकते हैं, मैंने आपको कन्फर्म कराया था कि ये एक सपोर्ट भी आप रख सकते हैं, अगर ये वापस बुलिश जाता है थोड़े समय के लिए, अब जाने के बाद वापस अगर नीचे जाता है, तो उस अनुसार यहाँ पे आप ये एक सपोर्ट है, एक सपोर्ट 528, इसको ब्रेक करके यहाँ से निकला है। तो गाइज अभी ये 554 पे चल रहा है, तो जैसा कि एक यहाँ पे रेसिस्टेंस बनता दिख रहा है, ये लाइन आप देख सकते हैं, नॉर्मली है, यहाँ पे एक नॉर्मल रेसिस्टेंस आपको बनता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है थोड़े समय के लिए इधर आने के बाद वापस से ब्रिज देख सकते हैं, लेकिन ये चांसेस बहुत कम है, क्योंकि एक बार यहाँ से इसको टच करके जो यहाँ पे रेसिस्टेंस बना रहा था यू टर्न का, यहाँ से थोड़े समय के लिए डाउन आ चुका है, और सपोर्ट के बाद बड़ी रिवर्सल और काफ़ी गैप अप ओपनिंग आज इसमें दिखी भी है। तो गाइज ये अप जा सकता है, हो सकता है अगले दिन आपको ये 560 का जो रेसिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, इसको ये ब्रेक करके इसके ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको अगले दिन नजर आए, तो गाइज आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। इसके ऊपर जब ट्रेड करता हुआ नजर आए तब, तो गाइज एक रेसिस्टेंस के तौर पे आप 576 का भी रख सकते हैं, इसको अगर ब्रेक करता है, इसके ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आए, तो इसमें और क्वांटिटी आप ऐड कीजिएगा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से अगले दिन आपको बुलिश कैंडल देगा और फिर अगले ही दिन आपको ब्रेक करके इसके ऊपर ट्रेड करने लग सकता है। हो सकता है गाइज आपको थोड़े समय के लिए यहाँ पे बीरिस कैंडल नजर आए, आपको कंसोलिडेट करता हुआ नजर आए, तो आप थोड़ा वेट करें, अगर इसके ऊपर उसके बाद अगर ट्रेड करता हुआ नजर आता है तो और क्वांटिटी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप 598 का आप प्लान कीजिएगा, यानी कि नेक्स्ट टारगेट का आप प्लान कर सकते हैं। तो गाइस काफ़ी क्लियर आपके सामने टारगेट दिख रही है, जो लोग बाई इधर नहीं कर पाए होंगे उनके पास अभी बड़ी अच्छी मौके दिख रहे हैं, आप इधर बाइंग कर सकते हैं, और कुछ क्वांटिटी के साथ ही। अभी आप कंफर्मेशन के तौर पे गाइस आप 560 का रखिएगा, इसको ब्रेक करें तो और आप इसमें क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक को देख लेते हैं। तो गाइस अगर आपको कोई डाउट रही हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपका सारा डाउट्स क्लियर जरूर करूंगा, रिप्लाई करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए गाइस नेक्स्ट स्टॉक, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने जो है अंबुजा सीमेंट लिमिटेड का चार्ट लगा रखा है। ये स्टॉक भी मैंने आपको उस समय पहले थी और कन्फर्मेशन के तौर पे कराया भी था क्लियर, कि अगर इसको ब्रेक करके इसके ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आता है तो आप बाई करें। कन्फर्मेशन के तौर पर गाइस जो इसका हाई प्राइस वन डे कैंडल में आपको दिख रहा है 459 का, यहाँ तक का मैंने आपको कन्फर्म कराया था। तो गाइज यहाँ से जैसे कि जो लोग बाई नहीं कर पाए उनके लिए अभी बड़ी मौकी है, फिर से आपको यहाँ पे बुलिश कैंडल सिग्नल दिख रहा है, जो कि यहाँ पे रेसिस्टेंस हिट करने के बाद थोड़ी कंसोलिडेशन यानी कि 2 दिनों की दिखी आपको, उसके बाद ये यहाँ से निकला है, काफ़ी गैप ओपनिंग आज देखने को मिली। तो गाइज एक तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वन डे कैंडल में हाई प्राइस आपको दिख रहा है 469 का, यहाँ पे अभी ये प्राइस चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हाई प्राइस की बात करें तो आज ये काफ़ी ऊपर तक गया था, 481 तक ये स्टॉक प्राइस गया था। तो जैसा ही गाइस कह सकते हैं कि अगर आप बाइंग करते हैं तो एक टारगेट प्राइस आज का हाई प्राइस पे आप रख सकते हैं, अगले दिन अगर बुलिश कैंडल मिलता है और जो नज़दीकी का हाई प्राइस यानी कि 469 का जो रहा है, अगर इसको ब्रेक करके इसके ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आया, और हो सकता है गाइस ये आज इसके भी ऊपर चला जाए, ये 472 तक भी चला जा सकता है। तो गाइस क्लोजिंग आज ये कैंडल को होने दें, उसके बाद अगर ये क्लोजिंग के ऊपर अगर ट्रेड करता हुआ नजर आता है, आज के क्लोजिंग के ऊपर बुलिश कैंडल देता है और फिर से प्राइस बनाता हुआ नजर आए, तो आप इसमें और क्वांटिटी ऐड करते जा सकते हैं। एक टारगेट प्राइस मैंने आपको बताया 481 का आप रख सकते हैं, और अगर इसको ये ब्रेक करता है तो मैं आपको टारगेट कंफर्म कराता हूँ 1 वीक पे क्या हो सकता है, लेकिन ये सपोर्ट के तौर पे आपको ये 461 का आपको रखना चाहिए। अगर बाई चांस थोड़े समय के लिए फिर से अगर डाउन आता है तो इधर तक आ सकता है, या फिर एक कैंडल आपको बीरिस का देकर हो सकता है वापस से ही अगर रिटर्न आपको बुलिश का दिखने लगे, प्राइस बनाने लगे, तो आप उसमें क्वांटिटी बाइंग कम कम क्वांटिटी बाइंग करते जाए ऊपर की तरफ, जैसे जैसे प्राइस बनाता जाए और क्वांटिटी इसमें आप ऐड करते जाएँ। चलिए मैं आपको टारगेट कन्फर्म कराता हूँ क्या हो सकता है। तो गाइस जैसा कि आपको मैंने बताया 481 के ऊपर ब्रेक करता है तो एक टारगेट प्राइस आपको दिख रहा है 518 की, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था उस टाइम भी एक टारगेट प्राइस मैंने आपको ये दिए थे, और 1 वीक में भी क्लियर आपको सिनेरियो अभी भी बुलिश के दिख रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रेसिस्टेंस जो था इसको ब्रेक करके 1 वीक में भी निकला है, और यहाँ पे इसको हाई प्राइस के लिए मैंने आपको बताया, जो लोग अगर बीरिस कैंडल के साथ बाई करते हैं अगर बाई चांस मिलता है तो एक रख सकते हैं इधर का, अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको बड़ी टारगेट मिल सकती है।
तो चलिए गाइज, अगर ये इसको भी ब्रेक करता है, ये जो 518 का टारगेट प्राइस नजर आ रहा है, हो सकता है इधर आने के बाद थोड़ी कंसोलिडेशन दिखे या फिर एक दो बीयरिश कैंडल नजर आया, तो गाइज आप प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे कुछ क्वांटिटी एग्जिट करिएगा, अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं आप उधर। अगर इसको ब्रेक करके इसके ऊपर ट्रेड करता हुआ जब नजर आया, हो सकता है कुछ समय के बाद या फिर एक दो दिन के अंदर ही अगर नजर आता है तो अच्छी बात है। इसके ऊपर जब ट्रेड करता हुआ नजर आए, प्राइजेस में बनाता हुआ नजर आए, इस तरह से एक कैंडल को ब्रेक करके सेकंड कैंडल, उसके ऊपर ब्रेक करके थर्ड कैंडल, इस तरह से अगर बनाता हुआ नजर आए तो और क्वांटिटी आप इसमें ऐड करते जा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका टारगेट भी कंफर्म करा ही देता हूँ। तो गाइज देखिए, अगर 518 को ब्रेक करता है तो ये 579 तक का आप प्लान कर सकते हैं प्राइजेस में जब बनाता हुआ नजर आए। तो चलिए गाइज नेक्स्ट स्टॉक को देख लेते हैं। अगर आपको कोई डाउट रहे तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो गाइज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो गाइज देखिए, नेक्स्ट स्टॉक मैंने आपके सामने ग्लैंड फार्मा का चार्ट लगा रखा है। यहाँ पे वन डे कैंडल के साथ काफी बड़ी और बुलिश कैंडल आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि अगर थोड़ा पहले फोकस करें गाइज तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन के तौर पर आपको दो डोजी टाइप बीरिस कैंडल दिखा, जो कि इसमें पिछले गैप डाउन भी देखी और आज का जो ओपनिंग प्राइस देखे तो पिछले कैंडल से गैप डाउन ही ओपनिंग रहा, लेकिन यहाँ से बुलिश बनाना शुरू किया है। यानी गाइस जैसे देखें तो काफ़ी बड़ी इसमें यहाँ पे एक रेसिस्टेंस 1410 की दिखी थी, उसके बाद लगातार इसमें डाउन का ही सिनारियो दिखा। तो गाइस उसके बाद डाउन देखे तो आपको लगातार गैप डाउन के साथ काफ़ी नीचे तक भी स्टॉक आया। 895 के बाद इसमें बड़ी रिवर्सल दिखी, आप देख सकते हैं 895 का जो यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है, इसके बाद एक बड़ी रिवर्सल दिखी, थोड़ा डाउन आया फिर से अप गया, थोड़ा डाउन आया फिर से अप गया, और लगातार इसमें हायर हाई का सिनेरियो बनते नजर आए। ये जब भी एक यहाँ पे सपोर्ट था उसको रेसिस्टेंस बनाकर इसको ब्रेक करके ऊपर की ओर निकला, यहाँ पे भी एक रेसिस्टेंस था इसको यहाँ पे थोड़े समय के लिए ये रेस्पेक्ट करता हुआ नजर आया बीरिस कैंडल के साथ, यहाँ से फिर से निकला गाइस, यहाँ पे भी एक सपोर्ट था इसको रेसिस्टेंस बनाकर थोड़ा डाउन आया फिर से यहाँ ब्रेक करके इसको निकला। तो गाइस जब भी यहाँ पे एक रेसिस्टेंस हिट कर रहा है थोड़ा डाउन दिख रहा है, लेकिन वहाँ से हायर हाई कहीं सिनेरियो दिख रहे हैं। उसी तरह यहाँ पे एक सपोर्ट था 1311 पे, यहाँ पे डाउन आया और काफ़ी ऊपर तक भी गया था प्राइस, लगभग ये जो है यहाँ से जो जब ये डाउन बनाना शुरू किया था यहाँ तक ये रेसिस्टेंस जो था वहाँ तक लगभग पहुँचा, उसके बाद थोड़ा डाउन आया। लेकिन आप फिर से देखें जिस तरह ये चलता आ रहा था, थोड़ी डाउन आने के बाद फिर से रिवर्सल, प्राइस वो अभी आपको देखने को मिली है डाउन के बाद फिर से रिवर्सल। तो गाइज रिवर्सल के बाद आप चाहें तो इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं अगले दिन अगर बुलिश कैंडल मिलता है तो, और एक नज़दीकी टारगेट के तौर पे गाइज 1407 का जो रेसिस्टेंस प्राइस नज़र आ रहा है इधर का एक टारगेट के तौर पे आप यहाँ पे रख सकते हैं। और गाइज जिस तरह से ये आगे की ओर बढ़ता जाए बुलिश कैंडल दिखे इसमें और क्वांटिटी आप ऐड करते जाएं, और जब ये रेसिस्टेंस जो मैंने आपको बताया अगर ये टारगेट बनाकर इसको अगर ब्रेक करता है इसके ऊपर जब ट्रेड करता हुआ नजर आए और उसी तरह से प्राइस एक्शन आपको नजर आए तब इसमें और क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं और नेक्स्ट टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। तो गाइज जैसा कि मैं आपको बताऊँ इसका ऑल टाइम हाई प्राइस जो रहा है ये 4358 का रहा है, उसके बाद लगातार स्टॉक प्राइस में आपको काफ़ी डाउन दिखी और डाउन आने के बाद आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया 892 का जो है यहाँ से एक सपोर्ट बनाकर रिवर्सल दिया है और एक रेसिस्टेंस यहाँ बन रहा है। तो गाइस अगर ये इसको ब्रेक करता है तो चांसेस आपको हायर हाई के मिल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी डाउन के पास एक बड़ी रेसिस्टेंस है यहाँ पे देखने को मिल रही है। वन वीक में क्लियर जो है सिनेरियो बुलिश के दिख रहे थे, लेकिन अभी जो है वन वीक में आपको यहाँ पे थोड़े बीरिस नज़र आ रहे हैं। लेकिन गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया आपको बीरिस कैंडल के साथ नहीं बल्कि बुलिश कैंडल के साथ फोकस बना के रखना है। तो गाइस अगले दिन बुलिश कैंडल मिलता है तभी आपको अपनी पोजीशन बाइंग करनी है। चलिए मैं आपको नज़दीकी एक टारगेट कंफर्म कराता हूँ अगर बाइंग करते हैं तो, और 1407 को अगर ये ब्रेक करके निकलता है तो ये 1731 तक ये जा सकता है। तो जिस अनुसार गाइस मैंने आपको बताया इसको ब्रेक करे तभी आपको यहाँ तक का प्लानिंग करना है, जिस अनुसार ये रेगुलर जो है अपने एक सपोर्ट को रेसिस्टेंस बनाकर यहाँ पे डाउन थोड़ी समय के लिए आ रहा था तो इसी तरह यहाँ पे थोड़े समय के लिए आपको देखने को मिल सकता है। तो आप थोड़ा वेट करें, आपको पैनिक नहीं होना है, हो सकता है एक दो कैंडल नीचे आने के बाद फिर से आपको बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो गाइस उस तरह से जब भी मिले आप नेक्स्ट रेसिस्टेंस तक का वेट करें, यानी कि थोड़ा देर वेट करें, इसके अगर ऊपर प्राइस एक्शन जब बनाता हुआ नजर आए तो और क्वांटिटीज में बाइंग करते रहें। तो उससे गाइस उस तरह से आप देख सकते हैं 2208 का एक नया टारगेट आपके सामने दिख रहा है। तो गाइस काफ़ी डाउन आया है तो अब जाने का सिनेरियो भी बन सकता है, ऐसा नहीं है कि अब यहाँ डाउन आया है तो फिर से इसके भी नीचे चला जा सकता है। अभी आपको रिवर्सल बड़ी मिली है जो कि बीच में आपको कहीं भी उतनी खास देखने को नहीं मिली, लेकिन यहाँ से आपको क्लियर मिली है तो आप थोड़ा वेट करें, इसको ब्रेक करने दें या फिर कम कम क्वांटिटी के साथ एंटर कर सकते हैं। तो चलिए गाइस नेक्स्ट स्टॉक को देख लेते हैं। तो गाइस नेक्स्ट स्टॉक मैंने आपके सामने जो है CESC का चार्ट लगा रखा है, इसका वन डे कैंडल के साथ अगर बात करें गाइस तो आपको बुलिश कैंडल दिखा और इसका हाई प्राइस की बात करें तो काफ़ी ऊपर तक भी गया था, जो कि 80.45 का इसने आज हाई क्रिएट किया। लेकिन गाइस यहाँ पे एक चीज़ ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाई तो गया लेकिन यहाँ पे ये भी था कि इसने एक रेसिस्टेंस जो यहाँ पे बन रहा था
आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेसिस्टेंस बना था 78.30 को, जो कि ये फर्स्ट बार इधर और लगभग 2 टाइम्स इधर, यानी कि 3 टाइम्स यहाँ पे रेसिस्टेंस के तौर पे दिखा, वहाँ से डाउन आया और आज जो इसको ब्रेक करके एक नया रेसिस्टेंस एक तरह से क्रिएट किया है यहाँ पे। तो गाइस चांसेस अभी आपको यहाँ पे अप के मिल सकते हैं, क्योंकि लगातार आप फिर से देखें तो 63.20 का जो सपोर्ट बनाया उसके बाद लगातार हायर हाई का सिनारियो दिखते हुए नजर आ रहे हैं, जब भी थोड़ा अप जा रहा है और अब जाने के बाद थोड़ा नीचे आ रहा है, लेकिन नीचे आने के साथ साथ देख सकते हैं कि ये जो है नया सपोर्ट क्रिएट कर रहा है उसके बाद लगातार ऊपर की तरफ ही बढ़ता चला जा रहा है। तो उसी जैसा कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है थोड़ा डाउन आया था उसके बाद फिर से बुलिश के सिनेरियो नजर आए हैं, थोड़ा वेट करें। अगर ये रेसिस्टेंस 78.30 को ब्रेक करके इसके ऊपर अगले दिन ट्रेड करता हुआ नजर आता है तब आप बाइंग कर सकते हैं, 80.45 का टारगेट का प्लानिंग आप कर सकते हैं जो कि आज का हाई प्राइस रहा है। हो सकता है अगर इसको ब्रेक करके अगले दिन ऊपर की तरफ ट्रेड करता हुआ नजर आए तब मैं आपको टारगेट कंफर्म कराऊंगा। फिलहाल के लिए अगर देख लेते हैं बाई चांस अगर बीरेज कैंडल नजर आता है तो गाइज आपको इधर तक का एक सपोर्ट के तौर पे वेट करना चाहिए, 76.75 तक का। हो सकता है थोड़ा डाउन आता है यहाँ तक आएगा उसके बाद आपको फिर से रिवर्सल मिलेगी। तो गाइस जिस तरह से अगर ये डाउन आता है उसके बाद अगर प्राइस एक बनाता हुआ ऊपर की तरफ बुलिश कैंडल दिखता है तो आप उसमें और क्वांटिटी ऐड करते जाएं, उधर से भी आप बाइंग करते जा सकते हैं। लेकिन अगर इसको ब्रेक करके अगर नीचे की तरफ पड़ता है तो फिलहाल जैसे आप इसे इग्नोर कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर चांसेस अभी आपको बुलिश के दिख रहे हैं, आप बुलिश की अगर बुलिश के साइड फोकस बनाए रखें। तो चलिए देख लेते हैं इसका हाई प्राइस जो रहा है, ऑल टाइम हाई प्राइस 102 का रहा है और उसके बाद लगातार बड़ी वॉलीटिलिटी के साथ अप्स एंड डाउन के साथ लगातार ये डाउन ट्रेंड में आया और 66.35 का डाउन बनाने के बाद बड़ी रिवर्सल दिखी। 1 वीक में लगातार आप देख सकते हैं कि 2 वीक से आपको बुलिश कैंडल देखने को मिल रहे हैं, 3rd वीक अगर पीछे देखेगा इस तीसरे वीक में तो यहाँ पे थोड़े समय के लिए प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे एक ही बीयरिश कैंडल आपको देखने को मिला है, लेकिन लगातार हायर हाई के सिनेरियो मिल रहे हैं। तो आप चाहे तो इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं, मैंने आपको टारगेट कंफर्म कराया, अगर उसको ब्रेक करता है तो आप इधर तक का एक टारगेट रख सकते हैं, 83.35 का आप रख सकते हैं अगर 80.45 के टारगेट को अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है तो। गाइज अगर जिस तरह से आगे की ओर बढ़ता जाए प्राइस हम मिलता जाए आपको उधर से और क्वांटिटी ऐड करते जाना है और लगे कि हाँ अब यहाँ से डाउन आ सकता है, बड़ी बीरिस कैंडल अगर आपको नजर आ रही है तो आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी उधर कुछ क्वांटिटी आप एग्जिट कर सकते हैं, कुछ क्वांटिटी के साथ आप नेक्स्ट टारगेट के लिए होल्ड करें। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। तो गाइस नेक्स्ट स्टॉक मैंने आपके सामने जो है ग्लेनमार्क फार्मा का चार्ट लगा रखा है। अगर 1 डे का कैंडल की अगर बात करें गाइस तो यहाँ पर लगातार हाई हाई के सिनेरियो के साथ अभी आपको बुलिश कैंडल दिख रहा है जो कि एक बड़ा सपोर्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है गाइस 779 का। यहाँ से सपोर्ट लेकर ये रिवर्सल दिया और एक रेसिस्टेंस जो था इसने हाई क्रिएट किया, हाई के पास रेसिस्टेंस बना 825 का, उसके बाद डाउन आया और यहाँ पे एक जो सपोर्ट दिखा आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बीरिस कैंडल के साथ में एक सपोर्ट बनाया और यहाँ से रिवर्सल आपको आज दिखे हैं। तो चांसेस आपको बुलिश के मिल सकते हैं, अगले दिन फोकस बनाए रखें। जिस तरह से ये प्राइस बनाता हुआ नजर आया यानी कि एक कैंडल को ब्रेक करके दूसरा कैंडल, यानी कि एक कैंडल यहाँ पे भी बुलिश का बना चुका है, अगर इसको ब्रेक करके अगले दिन बुलिश कैंडल देता है और थोड़ा देर उधर वेट करता है बुलिश कैंडल के साथ तो आप उधर अपनी बाइंग कर सकते हैं। आप चाहे तो कम क्वांटिटी के साथ ही एंटर करें, उसके बाद अगले दिन फिर से अगर उसी तरह अगर कैंडल दिखता है आपको प्राइस बनाता हुआ नजर आता है तो और क्वांटिटी उसमें ऐड करें, यानी कि गाइस जिस तरह सरप्राइज मिलता जाए आप क्वांटिटी उसमें ऐड करते जा सकते हैं। तो गाइस नजदीकी टारगेट के लिए आप 825 का एक रख सकते हैं, अगर इसको ये ब्रेक करता है तो आपको टारगेट मैं कंफर्म करूंगा। फिलहाल के लिए अगर बाय चांस बीरिस कैंडल देता है गाइस तो 779 को अगर ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ जाता है तो फिलहाल किसी आप इसे इग्नोर कीजिएगा, लेकिन चांसेस अभी बुलिश के हैं, बुलिश के साथ अपनी फोकस बनाए रखें। चलिए मैं आपको जो है इसका टारगेट कंफर्म कराता हूँ। तो जब से देख सकते हैं मैंने आपके सामने 1 वीक का चार्ट लगा रखा है, ये जो इसका हाई प्राइस रहा था ऑल टाइम हाई 689 का, इसको ये ब्रेक करके नया ऑल टाइम हाई प्राइस बनाया है जो कि 833 का देखने को मिल रहा है। तो भाई 1 वीक में भी थोड़ा फिलहाल आपको बीरिश कैंडल नजर आ रहा है, लेकिन कन्फर्मेशन के साथ मैंने आपको बताया 1 डे में आपको बुलिश कैंडल दिख रहे हैं तो आप अपनी फोकस बनाए रखें, बुलिश के चांसेस अगले दिन आपको मिल सकते हैं। तो टारगेट प्राइस मैं आपको कंफर्म कराऊँ, जिस अनुसार ये गाइस 1 डे में चलता हुआ नजर आ रहा, थोड़ा आप जाने के बाद बीयरिश कैंडल दिख रहे थे उसी अनुसार आप लेकर चल सकते हैं। अगर ये 825 को अगर ब्रेक करके आगे की ओर निकलता है तो गाइस ये 880 तक भी जाने के चांसेस बना सकता है, आपको यहाँ तक का एक टारगेट आप बना सकते हैं अगर इधर को ब्रेक करता है तो। गाइस आप अपनी फोकस बनाए रखें, अगर इसको ब्रेक करता है तो एक नई टारगेट आपको मिल सकती है। तो गाइस जिस तरह से प्राइस मिलता हुआ मिले आप वहाँ पर बाइंग करते जा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, जैसा कि मैंने आपको कंफर्म कराया, अगर आपको कोई डाउट रहे तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, चैनल को विजिट करें, काफ़ी सारे स्टॉक्स आपको उधर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।